इलेक्शन मैनिफेस्टो में उसको शामिल करें और साथ ही साथ ये इश्यूज स्टूडेंट्स के लिए इलेक्शन का मुद्दा रहे। तो इसमें हमने बेसिकली तीन चीज़ों पर डिस्कशन किया है, एक तो एजुकेशन है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट है और तीसरा यूथ इश्यूज है। तो हम देखते हैं कि तेलंगाना में जो एजुकेशन की सूरत हाल है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, यहाँ पे बजट हर साल कम होता चला जा रहा है। तो हमारा ये डिमांड रहा है कि जो कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया है कि 30% बजट एजुकेशन पे लगाया जाए, तो हम ये डिमांड इसमें रखे हैं कि एजुकेशन पर 30% बजट इसको शामिल किया जाए। उसके अलावा हम देखते हैं कि तेलंगाना के गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में बेशुमार वैकेंसीज है। हमने इसमें डाटा भी हमारे मैनिफेस्टो में रखा है कि बहुत सारे वैकेंसीज स्टेट यूनिवर्सिटीज में हैं, कॉलेजेस में हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो हमने ये डिमांड की है कि इसको फौरी तौर पर फिल किया जाए ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ा रहे। फिर इसके अलावा हमने जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है इसमें ये बात कही है कि तेलंगाना में बहुत सारे नौजवान हैं यहाँ पे जो बेरोजगार हैं, तो इनके लिए एम्प्लॉयमेंट के ज़राए पैदा करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले तो जो ग्रुप्स के और TSPSC के जो नोटिफिकेशन निकाले गए, तो हमारा ये मुतालबा है कि इनको फौरी तौर पर जल्द अज जल्द इनको फिल किया जाए ताकि जो हज़ारों लाखों नौजवान बेरोजगार हैं वो उनको रोज़गार मिले। दूसरा ये कि एंटरप्रेन्योरशिप के सिलसिले में भी हमने बात रखी है कि नौजवानों को सेल्फ रिलायंस बनाया जाए, उनको खुद मुख्तार बनाया जाए और उसके लिए उनको एंटरप्रेन्योरशिप के और बिजनेस के अलग अलग मौके उनको दिए जाए ताकि वो खुद मुख्तार बने। इसके अलावा एजुकेशन के सिलसिले में जो एक अहम मसला अभी डी रिजर्वेशन का DSC के सिलसिले में चल रहा है, वो भी हमने इसमें रखा कि जो उर्दू मीडियम के पोस्ट है उसको फौरी तौर पर डी रिजर्व किया जाए ताकि वो जो वैकेंसीज रह रही है कॉलेजेस में उसको फिल किया जाए। इसके अलावा फिर डाइट कॉलेजेस की सूरत हाल भी हम इसमें रही है कि बहुत सारे इसमें वैकेंसीज है। फिर उसके अलावा जो नौजवानों के जो इश्यूज है उसमें सबसे अहम मसला तेलंगाना में हम देखते हैं कि सुसाइड्स का एक अहम मसला है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और दिगर एग्जाम्स के प्रेशर से बच्चे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग्स करें और उनके प्रेशर को कम करें। उसके अलावा दिगर जो मंशियात है, दिगर जो एडिक्शंस है जैसे कि ड्रग्स है, अल्कोहल है, तो ये भी स्टूडेंट्स में हम देखते हैं कि इसका भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो इसके सिलसिले में भी हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी इकदाम करें। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी को और सर्विलांस के सिलसिले में भी हमने इसमें बात की है कि हैदराबाद को लेकर एक बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है। जो फदीर का भी मसला हम देखते हैं कि उनका उनको अरेस्ट किया गया गलत तरीके से और डेथ हुई, तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं। तो ये सर्विलांस का भी मसला है, डाटा प्रोटेक्शन का, सिटीजन्स के सर्विलांस का मसला, तो इस पर भी हमने गुफ्तगू की है। तो ये कुछ ब्रीफ चीज़ें हैं। उसके अलावा हमने बहुत सारे इश्यूज उसमें रखे हैं और हम हुकूमत के और दिगर पार्टियों से भी हम इंशाल्लाह मुलाकात करते हुए इन चीज़ों को उनके मैनिफेस्टो में शामिल करवाने की कोशिश करेंगे।